हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोमन। कैसे हैं आप लोग? एक छोटा सा वीडियो मैं दूंगा अबाउट स्कूल। अभी मैं अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए आया हूँ। और आप देखो, यहाँ पे स्कूल बसेस ऐसे होते हैं, स्कूल बस ऐसे आ रहे हैं। तो अभी जो बच्चे लोग स्कूल बस से घर जाएगा, अभी देखो ये लोग पूरा आएगा विद देयर टीचर। टीचर आएगा, इन लोगों को बस में चढ़ाएगा, देन बस विल गो। उसके बाद जो बच्चे लोगों को पेरेंट्स पिकअप करने आते हैं, बच्चे जैसे स्कूल में देखो स्कूल बस से बच्चे सब जा रहे हैं। तो ये सभी स्कूल बस चले जाने के बाद अभी जो नेक्स्ट जो सेटअप बच्चे हैं, उस बच्चे लोगों को ये लोग छोड़ेगा विद पेरेंट्स। एक दूसरा स्कूल बस जा रहा है। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत ही सिक्योर सिस्टम है। अगर पेरेंट्स अगर नहीं होगा तो ये टीचर बच्चे को छोड़ेगा नहीं। और ये बस में भी जो बच्चे लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भी अगर पेरेंट्स नहीं होगा जहाँ पर बच्चे को ड्रॉप करने वाले हैं ड्राइवर, तो अगर वहाँ पर भी अगर पेरेंट्स नहीं है तो बच्चे को नहीं छोड़ेगा। ये बच्चे को लेके चला जाएगा स्कूल, और देन प्रिंसिपल आपको कॉल करेगा आपके बच्चे को पिक करने के लिए। तो टोटली सिक्योर सिस्टम है। और जब आप बच्चे को ड्रॉप करते हो तब भी प्रिंसिपल मतलब टीचर देखेगा आपका अटेंडेंस मार्क्स होगा बच्चे का। और अगर आपके बच्चे अगर बस में आता है तब भी उसका सेम प्रोसेस है, वो अटेंडेंस मार्क्स होगा। और अगर बच्चे कभी किसी दिन अगर नहीं आता है, देन आपके मोबाइल पर एक ऑटोमेटेड कॉल आ जाएगा। टोटली प्रोसेस ओरिएंटेड है। मतलब ऑनलाइन में प्रिंसिपल जब किसी बच्चे को एब्सेंट डिक्लेयर करेगा तब ये बच्चे ऑलरेडी मतलब आपके पास कॉल आ जाएगा, और आपको रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए। सो टोटली ऑटोमेटेड प्रोसेस, टोटली सिक्योर प्रोसेस। छोटा सा एक वीडियो मैंने दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा फ्लेवर है कि हाउ इज़ स्कूल लाइफ इन कनाडा, बच्चे का स्कूल कैसे होता है, आपका लाइफ कैसे होगा अगर आपको पिक करना है तो। अगर आप 2 किलोमीटर के अंदर है तो आपको स्कूल बस नहीं मिलता है, देन आपको बच्चों को पिक करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है। तो एनीवे, सो आज के लिए इतना ही। अभी देखो बच्चे लोगों को छोड़ रहा है टीचर। अभी मैं अपने बच्चे को स्कूल में अभी जाऊंगा उठाने। तो सी यू टू माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।